guys, what's up? Welcome back to a new video. I don't know what was that, but how are you all doing? कैसे हो सब मुझे comments में बताओ. Now I am back with another episode of my fashion favorite, and today I'll show you 10 fashion items that I'm loving lately. There are top wear, bottom wear, Indian wear, jewelry. काफी सारी चीजें वीडियो में मुझे आपको दिखाने को. Now some of these are recent purchases. कुछ मैं बहुत ज्यादा पहन रही हूँ recently, and I wanted to share them with you. So yeah, let's start with the first item, which is this mock blazer. ये blazer I think मैंने एक दो साल पहले खरीदा था H&M से. It is sadly not available anymore. Although मैं try करूँगी ऐसा कुछ, मुझे से कुछ alternative मिलता है तो I'll link it in the comment in the description bar. But I got this from H&M and I absolutely love it. I am a big fan of blazers anyway. I think blazers are a closet essential. एक या दो तो आपके पास होने चाहिए. Now this is like not super basic, but still इसका shade काफी neutral है तो ये चल जाता है हर चीजों के साथ. And you can see for yourself ये green के साथ भी कितना amazing लग रहा है. तो मैंने आज ग्रीन के साथ स्टाइल किया विद लॉट्स ऑफ गोल्डन ज्वेलरी एंड आई एम लविंग द आउटफिट टुडे. कभी मुझे ना बहुत बेसिक सा आउटफिट मैंने पहना होता है, आई हैव टू गो समवेयर और मुझे उसको इंस्टेंटली ड्रेस अप करना है. मैं सुबह ये ब्लेजर डाल देती हूँ एंड आई एम सॉर्टेड. आई वोर इट विद लाइक एन ऑल व्हाइट बेस व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट पैंट्स के साथ. मैंने उसको एक बार पहना था विद दिस ब्लेजर ऑन टॉप एंड वो इतना अमेजिंग आउटफिट लग रहा था. एंड यू कैन वेयर दिस विद स्कर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, आप किसी भी चीज के साथ स्टाइल कर सकते हो. आई एम टेलिंग यू इन्वेस्ट इन वन ब्लेजर इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड विल थैंक मी लेटर. मूविंग ऑन टू द सेकंड कैटेगरी विच इज बॉटम वेयर. नाउ आई हैव गॉट थ्री बॉटम वेयर्स. एक जो फर्स्ट वाली है ना, वो तो मैंने आपको इसके पहले वाला जो मेरा फेवरेट वीडियो था उसमें भी दिखाया था कुछ महीने पहले एंड इट इज स्टिल माय फेवरेट. तो बेसिकली आई बॉट दीज ब्लैक पैंट्स फ्रॉम H&M लास्ट ईयर एंड दिस इज द बेस्ट 1500 रुपीज आई हैव एवर स्पेंट इन अ क्लोथिंग पीस. मैंने ये पैंट्स इतनी ज्यादा पहन ली है थ्रू आउट दिस ईयर. इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मेरी लुक बुक्स वगैरह देखते हो देन आपने इसको ऑलरेडी देख लिया होगा. सो आई लव दीज पैंट्स एंड मतलब एवरीथिंग अबाउट दीज इज परफेक्ट. मैंने इसका आई थिंक कल परसों ही दो दिन लगातार पहना है विद आई थिंक द सेम टॉप. एक दिन मैंने इसी टॉप के साथ पहना था और एक दिन मैंने रेड टॉप के साथ पहना था. दीज आर द इजिएस्ट टू स्टाइल और लूज है तो बहुत कंफर्टेबल होता है. पैंट का तो थोड़ा सा यू नो पुट टुगेदर था ड्रेसी सा आउटफिट लगता है तो कुछ ज्यादा स्टाइल करने का भी मन ना हो तो उसके ऊपर एक बेसिक व्हाइट टॉप डाल के मोनोक्रोम लुक बना सकते हो या फिर एक फिटेड टॉप पहन के जैसे मैंने यहाँ पे पहना है. यू कैन यू नो जस्ट वेयर इट आउट फॉर अ कैजुअल डे बट स्टिल बहुत ज्यादा बेसिक आपका आउटफिट नहीं लगेगा. लेकिन एफर्टलेसली शीक आउटफिट के लिए ना I love to wear these and इनको तो मैं बहुत ज़्यादा style कर रही हूँ. Now my next two bottom wear are from Bliss Club and Bliss Club is sponsoring this part of the video and I'm so grateful for that. I have been working with them for some months now. मैंने उनके बहुत सारे bottom wear, top wear, sports bras, leggings सब कुछ try कर लिया है. एंड ये जो दो बॉटम्स है ना, दीज आर लाइक माई लिटरल फेवरेट्स एंड ये तो इस वीडियो में आपको दिखाना बनता है. तो आई थिंक द फोर्थ आइटम ऑफ दिस वीडियो आर दीज फ्लेयर पैंट्स फ्रॉम ब्लिस क्लब. नाउ ये तो आई थिंक आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को पहने हुए थे, इसके रिव्यूज देते हुए आपको आपने ऑलरेडी देख लिया होगा. एंड स्पॉइलर अलर्ट, दे आर एब्सोल्युटली वर्थ द हाइप. पता है ये मुझे लाइक आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज पैंट्स क्योंकि ये है लेगिंग्स की तरह, लाइक देर सुपर से चिपका चिपका ऊपर से थाइस वाले पार्ट में बट नीचे को दे फ्लेयर आउट अ लिटिल. एंड आई पर्सनली लाइक दीज मोर देन द लेगिंग्स क्योंकि मुझे लगता है ना मेरी बॉडी टाइप में ये ज्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू एनी लेगिंग. क्योंकि जो नीचे से फ्लेयर आता है ना ये हिप वाले पार्ट के साथ बड़ा अच्छा प्रोपोर्शन बनाता है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज पैंट्स इज कि इसको ऐसे वर्कआउट के लिए पहन सकते हो, योगा के लिए पहन सकते हो या फिर यू जस्ट वॉकिंग रनिंग में जा रहे हो उसके लिए पहन सकते हो. और एंड द वे आई लाइक टू वेयर देम इज टू वेयर देम एज अ लाउंज वेयर पीस. मैं तो इसको दिन भर पहने रहती हूँ, ये इतने अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल है, सुपर डुपर हाई वेस्ट लाइक जस्ट लुक एट द वेस्ट हियर, बहुत हाई वेस्ट है इनकी. इसको आप इतना फोल्ड भी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, लाइक अगर आपको इतनी हाई वेस्ट पसंद नहीं है तो यू कैन फोल्ड इट. इट हैज पॉकेट विच इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इफिशियंट थिंग अबाउट इट. इसमें ऐसे चार चार पॉकेट्स हैं यहाँ पे एंड ये आई थिंक इनके विंड फ्लो फैब्रिक की है. फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है, बिल्कुल सा सेकंड स्किन की तरह फील होता है और इतना कंफी फील होता है ना, लाइक आई एब्सोल्युटली लव दिस. ऑल्सो इफ यू नोटिस हियर इसमें ना कैमल टो की दिक्कत नहीं होती विच इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट. दिस इज द लास्ट बॉटम वेयर ऑफ दिस वीडियो. ये भी ब्लिस क्लब्स है एंड दिस इज देयर शॉर्टीज.
आजकल अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, आई एम लूजिंग अ लिटिल वेट, आई एम गेटिंग टोन्ड अ लिटिल, क्योंकि मैं बहुत अपने वर्कआउट्स वगैरह पे ध्यान दे रही हूँ. एंड आई हैव बीन वेयरिंग दिस सो मच. आई थिंक मुझे वर्कआउट के लिए, मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है क्लोथ. अगर अच्छी क्यूट क्यूट से आउटफिट्स हो ना, तो मुझे ज़्यादा मन करता है कि ऐसे अच्छे से आउटफिट्स पहन के मैं वर्कआउट करूँ. एंड दिस हैज़ बीन सो हेल्पफुल, क्योंकि एक तो ना मेरे को शॉर्ट्स में, लाइक ऐसे बाइकर शॉर्ट्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स में वर्कआउट करना बहुत पसंद है. बहुत कम्फी लगते हैं ये इतने थिक से हैं. देयर अगेन सुपर हाई वेस्टेड. ब्लिस क्लब के सारे कपड़े बहुत हाई वेस्टेड होते हैं. ये इनकी बहुत अच्छी बात है, एक कि ये बहुत हाई वेस्टेड होते हैं, सेकेंडली कि इनमें हर चीज़ में पॉकेट्स होती हैं. तो इवन दीज शॉर्टीज हैं पॉकेट्स, पीछे भी यहाँ पे हैं. आई थिंक दिस इज अ क्लाउड सॉफ्ट फैब्रिक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और इतने अच्छे से हग करता है ना बॉडी को, लाइक पहनने में इतना अच्छा लगता है. एंड इट मेक्स यू फील वेरी सेक्सी. मुझे ना ये सारे कपड़े भी पहन के बहुत अच्छा लगता है. आई फील लाइक गुड अबाउट माई बॉडी, विच इज वाई आई लव वर्किंग विद ब्लिस क्लब. आई नो दे आर अ लिटिल प्राइसी, बट आई विल सेव यू गाइज बिकॉज आई हैव अ कूपन कोड फॉर यू. तो उसको यूज करो और पैसे बचाओ अपने. सो दिस इज माई कूपन कोड विच इज दीक्षिता 10, एंड यू कैन यूज इट टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ. पता है जब मैंने शॉर्टीज खरीदे थे, आई डिड यूज माई ओन कूपन कोड टू बाय देयर. सो मुझे बड़ा अच्छा लगा था अपने कूपन कोड यूज करके. तो अभी फेस्टिव सीजन में पिछले आई थिंक 2-3 हफ्ते से बहुत फेस्टिव कॉन्टेंट डाल रही हूँ. फुल हॉल से बहुत सारी इंडियन वेयर की, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही आइटम रखा है इस वीडियो पे. बाकी अगर आपको कोई भी आउटफिट रिकमेंडेशन चाहिए, कुर्ते मैंने नए खरीदे हैं, ज्वेलरी नई खरीदी है फेस्टिव सीजन के लिए, अगर आपको वो सब देखने हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी. वहाँ पे यू विल गेट टू सी ऑल दिस फेस्टिव गुडनेस. अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ फेस्टिव कॉन्टेंट से आज के लिए. नेक्स्ट हफ्ते से फिर स्टार्ट हो जाएगा दिवाली तक. सो आई थॉट कि इंडियन वेयर थोड़ा कम ही रखते हैं, तो मैंने इसमें बस एक सूट सेट इंक्लूड किया है. तो इसमें ये पिंक कुर्ता सेट है, प्लेन सॉलिड पिंक, कुछ भी नहीं उसमें, कोई वर्क नहीं है. एंड बहुत कम्फी लगता है मुझे ये. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज दिस दुपट्टा. यस, दिस दुपट्टा इज विद दिस सूट सेट. आई नो सेम लगते नहीं क्योंकि इसमें पिंक कहीं भी नहीं है, ये व्हाइट और येलो, बट आई थिंक ये जो कॉन्ट्रास्ट में कलर्स है ना, ये इतने अमेजिंग लगते हैं साथ में. एंड सिंस ये इतना सिंपल सा सूट सेट है, उसमें ये कलरफुल सा दुपट्टा इतना ब्यूटिफुल सा लुक ले आता है. आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज स्टिल अवेलेबल, क्योंकि थोड़ा पुराना परचेज है, बट अगर अवेलेबल होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. तो या दिस इज आवर ओनली इंडियन वेयर ऑफ दिस वीडियो एंड आई लव इट. टॉकिंग अबाउट समथिंग पिंक, नेक्स्ट आइटम एक्चुअली ये पिंक टॉप है. ये गिंगम प्रिंट पे और ये बहुत अच्छा टॉप है. बहुत डिफरेंट टॉप है, बट से लाइक इट्स अ टॉप बट ये थोड़ा शर्ट स्टाइल में, मतलब इसके सामने से बटन है एंड फिर थोड़ा डीप भी है सामने से और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है. सब पूफी से शोल्डर से, तो बिल्कुल बॉस लेडी वाली वाइब आती है ना इसको पहन के. मुझे बहुत अच्छा लाइक बहुत प्रिटी बॉस लेडी वाली वाइब आती है. लाइक इट्स लिटिल फेमिनिन बिकॉज ऑफ द कलर, बट इसका सिल्वेट थोड़ा सा मैस्कुलिन है, तो एक बहुत अच्छा सा जक्सटपोजिशन है पूरे टॉप में. नाउ ये मैंने आजियो से लिया है रिसेंटली, एंड यू वोंट बिलीव आई गॉट दिस फॉर लाइक 540 rupees. मैंने सेल टाइम पे लिया था एंड आई एब्सोल्युटली लव द प्राइस पॉइंट. आई वाज लाइक ये तो खरीदना ही, ये तो सस्ते में मिल रहा है. एंड व्हेन आई गॉट इट, व्हेन आई वोर इट ना, आई लव्ड इट. इसका जो मटेरियल है इट इज कॉटन, इसमें बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, तो बिल्कुल स्टे ट्रू टू योर साइज. I got this in L size and this is from a brand called Style Quotient. Moving on to my next top, ये literally मैं अपनी laundry basket से अभी निकाल के लाई, क्योंकि मैं इसको recently पहना हुआ था. तो ये मैंने जनपद से thrift किया था, I think इस साल के summer time पे. But इस type के ना collar वाले top with a deep V at the front, ये बहुत trend में रहे हैं इस साल. And ये वाला in particular जो ये piece है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, I literally wear it once a week at least, क्योंकि बहुत अच्छा टॉप है, बहुत कम्फी टॉप है, फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है. दिस ग्रीन हैज बीन सो ट्रेंडी लेटली. आई एम लाइक किकिंग माई सेल्फ फॉर नॉट बाइंग मोर ऑफ दीज जब मैं जनपद गई थी, क्योंकि वहां पे काफी आए थे उस टाइम पे इस टाइप के टॉप. मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉप पर विच आई एम वेयरिंग नाइट हियर, तो ये एक फुल स्लीव टॉप है. ये प्लीज देख लो फुल स्लीव. ये मैंने H&M से लिया है रिसेंटली, आई थिंक गॉर्जियस फॉर 699. मैंने आई थिंक इसको भी 4-5 दिन पहले पहना था और इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था आउटफिट वहाँ पे. सो आई रियली वांटेड टू शो यू दिस टॉप. ऑल्सो आई नेवर थॉट कि ये इस ब्लेजर के साथ इतना अच्छा लगेगा, बट इट इज लुकिंग सो गुड और बहुत अच्छे से फिट आ रहा है मुझे. ये आई थिंक 2-3 लाइक ब्लैक वाइट 1-2 कलर्स में और अवेलेबल है. एंड आई वुड से इफ़ यू आर आइंग दिस, आप सोच रहे इसको खरीदने का, गो फॉर इट. इट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा फैब्रिक है. पहनने में अभी के टाइम के लिए, जो अभी का मौसम है, उसमें बहुत अच्छा फील हो रहा है. एंड इट जस्ट लुक्स सो गुड. ऊपर से जो सेट बिफोर ग्रीन इतना ट्रेंड कर रहा है, ग्रीन इस विंटर सीजन में भी बहुत ट्रेंड करने वाला है,
तो इट्स ऑलवेज अ गुड कलर टू बाय एंड यू नो मुझे ऐसी लंबी जो स्लीव्स बहुत ज्यादा पसंद है फुल स्लीव टॉप में. ओके दीज आर ऑल द क्लोथिंग आइटम्स ऑफ दिस वीडियो बट आई हैव वेट सम ज्वेलरी मैंने अपनी पॉकेट में रखी थी. I've got some jewelry to show you in this video. Actually, दो jewelry pieces हैं. So, पहले ये earring set मैं आपको दिखाती हूँ. यार ये मैं इतना ज़्यादा पहन रही हूँ ना आजकल. If you want to invest in earrings या फिर एक earring set आपको खरीदना है ना अपनी everyday life के लिए, ये खरीद. मैं 6 different type के earrings हैं. सब कुछ बहुत छोटे size के हैं तो everyday life के लिए perfect है बिल्कुल. इसमें एक pearl वाले earrings हैं, hoops हैं, छोटे hoops हैं, बड़े hoops हैं, बहुत different different sizes के hoops हैं. And these are perfect. मैंने जब से खरीदा है, I'm telling you, I'm wearing this so much in my everyday life. ना कुछ नहीं मिलता. I wear either these hoops या फिर जो pearl वाले hoops हैं. थोड़ा सा dress up करने का मन हो या फिर अगर मैंने pearl jewelry डाली हुई तो मैं pearl hoops पहन लेती हूँ. I am loving them. I think ये 699 rupees के थे and it might seem a little expensive, but I'm telling you, for the longer term, these are worth the investment for sure. And now moving on to the last item of this video, which again I'm wearing right here. दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं आपको क्लोजअप डाल दूंगी यहाँ पे. बट इट इज दीज रिंग्स, लाइक दिस सेट ऑफ 5 रिंग्स आई बॉट रिसेंटली एंड ये इतने सुंदर है ना, मुझे इतने ज्यादा पसंद आ गए. आई एम वेयरिंग दिस सो मच. ये लव वाला रिंग तो मैं इतना ज्यादा, लाइक आई वेयर दिस लाइक एवरी थर्ड डे. थोड़ा भी आउटफिट को स्टेटमेंट बनाना है या थोड़ा भी आउटफिट को ड्रेसअप करना है ना, तो उसमें एक चंकी सा लव रिंग डाल देती हूँ. यानी काफी सही है. और पता है मैंने इसको 5-6 बार तो पहन लिया ऑलरेडी, बट ये उतना टार्निश नहीं हुआ है बिकॉज यू कैन सी है इट्स इन अ प्रीटी गुड कंडीशन. इसके साथ ये ग्रीन कलर में और भी रिंग्स हैं और गोल्ड रिंग्स भी हैं. तो सिंस मैं ग्रीन टॉप पहना है तो मैंने ग्रीन वाले रिंग्स पहने यहाँ पे दोनों. एंड कितने अच्छे लग रहे हैं ये टॉप का ग्रीन ग्रीन एकदम मैच कर रहा है परफेक्टली. So I love this set of like 5 rings that I've got. I hope you enjoyed watching this video. If you did, please give it a big thumbs up. और कॉमेंट्स में मुझे बताओ what's going on with you, क्या प्लान है, कैसा चल रहा है फेस्टिव सीजन. अब दिवाली आने वाली है. I'm going to make like a few Diwali related videos and shorts as well. So stay tuned for that. And subscribe जरूर करना if you haven't already. Click on this red button subscribe and then click on the bell sign. So that you get notified whenever I upload a new video, which is usually every Monday and Thursday. I really want to hit 10k on Instagram, so please वहाँ पे मुझे follow करो because I know a lot of you are not already following me there. तो करो यार, support your girl. And yeah, that's it. Thank you for being here. I'm so grateful for you. Have an amazing day or night whenever you're watching this video, and I'll see you next time. Bye guys, I love you. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, maybe the Taj Mahal. Hey, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco, we could swim with the sharks.